सावन के इस पवित्र मास में भगवान महादेव की अनुकंपा आपके भाग्य पर बनी हुई है। क्यों? क्योंकि भाग्य भाव पर ही शुक्रदेव वक्री स्थिति पर आ रहे हैं और इनका वक्री स्थिति पर आना सीधे सीधे आपके इनकम को प्रभावित करेगा और साथ ही साथ आपके इनकम की बढ़ोतरी और विशेष तौर पर आपको ये जानना होगा कि कैसे आपकी भाग्य की अभिवृद्धि हो पाएगी। एक एक बातों को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा कि 7 जुलाई 2023 का वो दिन था जब यही शुक्राचार्य आपके नवम भाव पर गोचर किए थे, परंतु जैसे 23 जुलाई 2023 का ये दिन आएगा वैसे ही ये आपके नवम भाव पर ही वक्री हो जाएंगे। किसी ग्रह का वक्री होना अर्थात उनके अंदर चेष्टा बल की अभिवृद्धि हो जाना। और शुक्र कौन है? तो शुक्र हो गए हैं आपके एकादशेश, अर्थात आपके इनकम भाव के स्वामी ही शुक्रदेव हो गए हैं। तो आपके पास कितना इनकम आएगा, कितना आपके पास धन रहेगा, आपकी इच्छाएं पूर्ति कैसे होंगी, इन सबको का विश्लेषण आप सिर्फ शुक्र को के गोचर प्रभाव को देख करके जान सकते हैं। तो इस टाइम पर यह कहां है, आपके एकादश भाव पर। जैसे 23 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त का समय होगा तब तक ये आपके इसी भाव पर, आपके भाग्य भाव पर वक्री रहेंगे। जिनके राशि पर है ये इनकी राशि हो गई है सिंह राशि और इसके अधिपति हो गए हैं सूर्य। अब ये अग्नि तत्व की राशि है और शुक्र स्वयं यहाँ पर मान लीजिए एक शासक के घर पर शुक्राचार्य का होना जो धनु राशि से ठीक नवम भाव है, इसका मतलब है साफ साफ आपको ये समझना है कि भाग्य में कोई अच्छी अभिवृद्धि हो सकती है। किसी कारण से यदि भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है तो इस टाइम पर आप ये मानिए उस ग्रह के पास 3 गुना ज़्यादा बल हो गया है क्योंकि चेष्टा बल इनके पास आ गया है। तो 3 गुणा ज़्यादा बल की प्राप्ति होना आपके भाग्य में। तो भाग्य के दृष्टिकोण से अनुकूल यही वो स्थान है जो आपके उच्च शिक्षा का है। यदि आप जॉब करते हैं या किसी भी कार्य से में आप संलग्न हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, तो ये मानिए कि आपकी शिक्षा वहाँ बढ़ेगी और शिक्षा जब बढ़ती है तो ऑटोमेटिक हमारा कैरियर बहुत ग्रोथ कर पाता है। तो इसलिए शिक्षा के दृष्टिकोण से अनुकूल है। जो बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए तो ये और ही अधिक सर्वोत्तम माना जाएगा। साथ में आपको ये समझना है कि शुक्र इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी है, इसलिए इच्छा पूर्ति कहाँ से होगी, नवम भाव से होगी। आपके उच्च अधिकारियों से सहयोग की प्राप्ति, आपके पिता के द्वारा कोई अच्छा आपके साथ संबंध बन सकता है या उनके द्वारा भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र जहां होते हैं सौंदर्य के प्रतीक माने गए हैं शुक्राचार्य को, तो इसलिए सौंदर्य कहां होगा, सौंदर्य होगा हमारे भाग्य में, हमारी किस्मत में। अब जैसे 7 अगस्त का ही दिन आएगा सायंकाल का समय, वैसे ही यही शुक्राचार्य आपके नवम भाव को छोड़ करके ये आपके अष्टम भाव पर वक्री स्थिति में ही गोचर कर जाएंगे। मतलब एक साथ आपको दो दो रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो जैसे ही ये अष्टम भाव में जाते हैं, चंद्रमा की राशि होगी, कर्क राशि होगी और कर्क राशि पर जा करके ये शुक्र जल तत्व के ग्रह हैं और राशि भी जल तत्व के, मतलब एक तरलता का वातावरण इस समय पर कायम हो सकता है। आपको ये समझना है धनु राशि धनु लग्न से ठीक ये अष्टम भाव पर इनका गोचर हो जाएगा। शुक्र आपके नवम भाव को छोड़ करके आपके अष्टम भाव पर आ गए। जैसे ही अष्टम भाव पर आते हैं एक परिवर्तन का वातावरण कायम हो जाता है। अष्टम भाव हमारा परिवर्तन है, हालांकि कोई आपको डिप्रेशन और डिप्रेशन से बचना है, किसी प्रकार से तनाव आपके ऊपर हावी ना होने पाए, भगवान भोलेनाथ की आराधना करते रहें, तो अपने आप ये शुक्राचार्य भी आपको बहुत कुछ रिजल्ट देंगे। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ आपके लाभेश हैं, आपके इनकम को ही यहाँ पर बढ़ोतरी करेंगे। साथ ही ये आपके दूसरे घर के मालिक हैं, आपके ष्ठेश हैं। जब इस वक्री स्थिति में ये अष्टम भाव पर आते हैं तो रोक किसे देंगे, रुकावट किस पर आएगी, तो छठे भाव के कार्य को ये रोक देंगे। तो छठा भाव कहेगा, छठा भाव हो गया आपके रोग का, यदि कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं तो उससे निजात मिलने की संभावना। ऋण, यदि आपके कर्जे बहुत बढ़ गए हैं तो इन कर्जों में भी एक प्रकार से रुकावट, क्योंकि अष्टम भाव हमारे रुकावट है। और छठे भाव के स्वामी जब यहाँ जाएंगे, अष्टम भाव में जाएंगे, तो शत्रुओं से भी यहाँ पर पीड़ा मिलने की बजाय उनसे भी हमें शांति मिलेगी, उनसे भी हमारे कार्य निरंतरता की ओर चलते रहेंगे। शुक्र जब जब हमारी कुंडली में प्रभावी होते हैं तब तब हमें धनदायक होते हैं, क्योंकि धन के यदि कोई ग्रह माने गए हैं तो एकमात्र शुक्राचार्य जी हैं। और भाई आपके तो एकादशेश ही हो गए, मतलब इनकम भाव के आपके स्वामी ही हो जाते हैं। अब यही शुक्र
भगवान शंकर जी के सबसे प्रिय पुत्रों में एक है। और कैसे पुत्र है आपको समझाते हैं। एक बार यही शुक्राचार्य भगवान शंकर की बहुत कठोर तपस्या करने लगे। तपस्या के दौरान भगवान महादेव प्रसन्न हुए, वरदान मांगा कि मुझे आप मृत संजीवनी विद्या का, आप मुझे विद्या प्रदान करें, इसका ज्ञान मुझे दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान किया। उस मंत्र के प्रभाव से जितने भी दानव और देवता लड़ते तो ये अपने दानवों को ये जीवित कर देते थे, जिससे सभी देवता त्रासित हुए और भगवान देवाधिदेव महादेव के पास पहुँचे और कहे, हे भोलेनाथ, आप इससे शुक्राचार्य को जो आपने मृत संजीवनी विद्या दी है उससे वो सब दानव फिर से जीवित हो जाते हैं और हम बहुत त्रासित हो रहे हैं। तब महादेव क्रोध में आ गए और इन्हीं शुक्राचार्य को उठा करके अपने मुख में निकल गए। अब निकल तो गए लेकिन बाहर निकले कैसे? तब यही शुक्राचार्य भगवान शिव शंकर जी के लिंग मार्ग से बाहर निकले और इसी कारण से ये उनके पुत्र कहलाए। जब देखे भगवान शंकर ने तो बाहर आ गया, त्रिशूल उठा करके मारना चाहे, माता पार्वती ने आकर रोक दिया कि हे भोलेनाथ, ये तो आपका पुत्र है, आपके द्वारा ही ये उत्पन्न हुआ है। तभी से ये शुक्र को सीधे भगवान शंकर के पुत्र के रूप में माना जाता है। और ध्यान रखेगा, इस श्रावण मास में यदि आप भगवान शिव की कृपा चाहते हैं, इस शुक्र की कृपा चाहते हैं जो कि धन के कारक माने गए हैं, तो आपको स्फटिक शिवलिंग की पूजा करनी होगी। एक स्फटिक का शिवलिंग होता है, कांच के समान होता है, आपने अधिकतर देखा होगा। घर में आप पाषाण के शिवलिंग की पूजा करते हैं, रजत प्रतिमा की करते हैं, स्वर्ण प्रतिमा की करते हैं या किसी प्रतिमा की पूजा हो, सभी में भगवान शिव का सानिध्य माना गया है। आपके मनोरथ को सिद्ध करने के लिए ये सभी प्रभावी हैं। परंतु यदि आप स्फटिक शिवलिंग की पूजा करते हैं तो होगा क्या, साक्षात भगवान शिव शंकर वहाँ पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। आप शिवलिंग लेकर के आइए, भगवान से विनय कीजिए कि हे भोलेनाथ, इसी सावन महीने के में अगर कर सकें तो अच्छी बात है, हे भोलेनाथ आप आकर के इस स्फटिक शिवलिंग पर आप समाहित हो जाएं, मेरे और मेरे परिवार का भरण पोषण करें, कभी अकाल मृत्यु हमारी न हो, सदैव हम खुशहाल हमारा जीवन रहे, इस मंगल कामना से हम आपका आह्वान करते हैं। भगवान का आह्वान करके उनकी पूजा कर दीजिए। यदि हो सके तो बैठ करके बढ़िया ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप भी इस समय पर आप कर सकते हैं, या फिर मृत्युंजय मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं। इससे होगा क्या, भगवान शिव का सानिध्य मिलेगा, भगवान शिव की कृपा मिलेगी। साथ ही साथ ये शुक्र सीधा संबंध रखते हैं स्फटिक से, क्योंकि स्फटिक की जो धातु होती है ये शुक्र को ही रिप्रेजेंट करती है, तो इसलिए ये शुक्र की कृपा मिल जाएगी। तो शुक्र की कृपा मिलना, इसका मतलब सीधा सीधा आप ये समझिए कि धन का साथ मिल जाना आपको। आर्थिक रूप से माता लक्ष्मी स्फटिक में ही निवास करती है, इसलिए आपने स्फटिक के श्रीयंत्र की पूजा करते हुए भी देखा होगा, सुना होगा। तो यहां पर एक साथ एक ही स्फटिक शिवलिंग की पूजा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कृपा जो कि धन के देवता है, और माता लक्ष्मी जी जो धन की अधिष्ठात्री देवी हैं, इन सबका सानिध्य और सबका कृपा आपको मिल सकता है। इस श्रावण मास में खूब भगवान शिव शंकर की आराधना करें। भगवान भोलेनाथ सबको कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं, सबको वरदान देते हैं, आपके जीवन पर भी निरंतर अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखेंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट ही तो हैं जो हमें बहुत मोटिवेशन प्रदान करते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय।